भाइयों, माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं श्री अमन हजारी जी को। जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव कल अपने कार्यकर्ताओं से वर्चुअल जुड़े थे, वो दिल्ली में इस वक्त हैं, जिनमें उस बैठक में उन्होंने कहा कि मुसर समाज को लगातार जो है हमारी सरकार थी तो हम लोग आगे लाने का काम किया। तूफानी राम हमारे पार्टी में थे, उनको हमने मंत्री भी बनाया और हेलीकॉप्टर का भी शेयर कराया। तो जो बड़े तबके के लोग हैं उनको नगावारा गुजरा। हम लगातार जो है पिछड़े लोगों की बात करते रहते हैं और मुसर समाज को खासकर हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव है और कुशेश्वर स्थान में RJD ने अपना उम्मीदवार उतारा है। जो उम्मीदवार उतारा है वो मुसर समाज से ही आते हैं और कुशेश्वर स्थान में मुसहरों की अच्छी खासी आबादी है। कहा जा रहा है कि 25,000 वोट है मुसहरों की, तो उसको लुभाने के लिए लालू यादव ने कल बड़ा बयान दिया। अब जीतन राम मांझी जो है पूरी तरीके से हमलावर है RJD पे। कहा जाता है कि दलितों के और मुसर समाज के सबसे बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी। इसको देखते हुए उन्होंने RJD पर हमला किया और कहा कि जिस वक्त हम लालू यादव के साथ थे, वो सरकार में थे, तो हम मुसर समाज के लिए लगातार जो है लालू यादव के पास जाते थे काम कराने के लिए। तो लालू यादव कहते थे कि मुसर जो है कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। खैर, अब लालू यादव को मुसर समाज से इतना हित ऐसी हो गया है, मुसर समाज को आगे लाना चाहते हैं, तो एक टिकट भी दिया है। ये अच्छा संदेश है, देर से ही सही लालू यादव जो है मुसर समाज को देखे हैं। तो बता दें कि कुशेश्वर स्थान के लिए पूरी तरीके से राजनीति गर्म है। जीतन राम मांझी जो है मन से काफी कुछ कहा राजद के ऊपर, क्या कुछ कहा पहले आप सुनिए। ले गए थे तो उन्होंने कहा कि कोई फसल कटवा हो ठीक बात जाए, और वही आदमी को जब नीतीश कुमार के सामने हम ले गए तो नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी पर बैठा दिया उनको और कहा कि पत्रकारों से आप बात कीजिए और हम विकास की बात करते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि कौन आदमी किसके प्रति कितनी श्रद्धा रखता है। तो हम कहना चाहते हैं खास करके दलित महादलित भाइयों को कि ये महागठबंधन में कहीं प्रकार से किसी प्रकार का कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं, जनतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं। इसीलिए NDA में हम लोग जब चाहे भाजपा का मामला हो या JD का मामला हो या हम का मामला हो या VIP का हो या लोजपा का हो, सब मिल करके अगर हम ये उपचुनाव है, एक चुनाव से कुछ नहीं होता है, लेकिन बात यह होती है कि हम किस नीति पर चल रहे हैं उसका एक सबूत होता है, उदाहरण होता है। तो जैसा कि अभी हर साथियों ने मंत्री ने कहा कि कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र का, कितना विकास हुआ है इस राज्य का, और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कितना विकास हुआ है हिंदुस्तान का, सब जानते हैं। तो वैसी परिस्थिति में भी बदलाव किस बात की, बदलाव अच्छा काम के लिए होता है। तो जब अच्छा हो ही रहा है तो इससे अच्छा कोई करने वाला है नहीं। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत करने के लिए भाई अमन भूषण हजारी जी को आप काफी मतों से जिता करके यहाँ भेजिए। हम आ गए और आज क्या हो गया हमारे कांग्रेस के बंधुओं के साथ, जो कांग्रेस के बंधु कहते थे कि इस प्रकार की बात है हम लोग साथ हैं, लेकिन कोई तंत्र नहीं उनके, क्या एक ही तंत्र है कि हम हैं और उसके सिवाय कोई नहीं है। तो हम समझते हैं आज के जमहूरियत आवाज के प्रजातंत्र में ऐसे विचार की कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारा जो NDA गठबंधन है जिसमें आज पांचों साथी हम लोग हैं, एक होकर के एक विचार से न्यायिक निर्णय लिया है कि भाई अमन भूषण हजारी जी को हम लोग कैंडिडेट बनाया है। और स्वाभाविक है, इनके पिताजी हम लोगों के साथी थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, अच्छे विधायक थे, एक क्षेत्र का विकास किया, और ऐसे भी कहा जाता है कि सहानुभूति के लिए उनके परिवार को ही मदद करना चाहिए, और यही बात है कि उनके परिवार अमन भूषण हजारी जी को हमारे NDA ने टिकट दिया और नीतीश कुमार जी ने विशेष करके उनको टिकट दिया और 3 साल थमाया। तो हम अनुरोध करना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि 30 तारीख को जो 3 छाप है उसी पर बटन दबा करके हमारे अमन भूषण हजारी जी को आप भारी बहुमतों से जिताएं। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को, जिन्होंने कुशेश्वर स्थान में NDA के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे, JDU चुनाव लड़ रही है और वो प्रचार का जिम्मेदारी जो है अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। लगातार जो है मुसहर वोट को अपने तरफ खींचने की कवायद में जीतन राम मांझी को NDA जो है वहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। तो दूसरी तरफ जो है लालू यादव भी
पटना आने वाले हैं और पटना में आएंगे और दोनों सीटों पर जो है खुद प्रचार करने जाएंगे। तो देखना होगा कि 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 2 नवंबर को परिणाम आएगा, तो कुशेश्वर स्थान की जो सीट है वो किसके खाते में जाती है। बता दें कि मुसहर समाज से ही आरजेडी के कैंडिडेट है और मुसहरों की अच्छी खासी आबादी है वहाँ पर। तो देखना होगा कि राजद जो है अपने जो दावा खेली है उसमें कामयाब हो पाती है कि नहीं हो पाती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।